बिजॉय जी का सवाल है जिसमें पूछते हैं कि 25 दिन से सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा है, कितने दिन में हटेगा। तो यहाँ पे ये जो समस्या है ये बहुत ही कॉमन समस्या है और इस समस्या में पीएफ मेंबर की 1% गलती नहीं है, 100% गलती है पीएफ ऑफिस की। पीएफ ऑफिस इतना ज़्यादा आलसी ऑफिस है कि उन्होंने अपने किसी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं की है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक मेन ऑफिस है, एक छोटा ऑफिस, दूसरा छोटा ऑफिस। अभी छोटे ऑफिस, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर अगर पीएफ का अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र होने के लिए पहले एक ऑफिस उसे प्रोसेस करता है, फिर दूसरे ऑफिस में आता है। अभी यहाँ दूसरे ऑफिस में आने का मतलब, जब आपकी एक पीएफ पासबुक से कट गया तो दूसरी पीएफ पासबुक में आ गया। अब यहाँ पासबुक में आपका दिखा रहा है, लेकिन आगे एक लाइन लिखी रहती है, योर क्लेम इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, ट्रांसफ़र इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अब इस एक लाइन को हटाने के लिए ऑफिस नंबर 2 जो है वो करीबन 15 दिन से लेकर 30 दिन का, या कई केसों में मैंने देखा है 1.5 महीने 2 महीने का भी समय लगा देता है। तो क्या ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर 15 दिन 1.5 महीना 2 महीना लगना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आलसीपना है जो कि पीएफ ऑफिस की तरफ से अपने सिस्टम को इम्प्रूव ना करने के लिए किया जा रहा है। क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिसके लिए पीएफ ऑफिस को चांद तारे तोड़ के लाने हैं? अपने सिस्टम के अंदर पीएफ ऑफिस चाहे तो कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को भी पीएफ ऑफिस के द्वारा बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पड़ा रहता है 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके आसपास पीएफ ऑफिस हो जहां आपका ट्रांसफ़र गया हो और वहां सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा हो, तो आप सीधे जाइए पीएफ ऑफिस में, गेट पास बनाइए, अकाउंट ऑफिसर के पास जाइए, अकाउंट ऑफिसर से कहिए कि सर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। अगर वो बोलेंगे ठीक है हम कर देंगे, तो बोलिए सर ऑलरेडी 1.5 महीना हो गया है 1 महीना हो गया है, इसको अभी आज करवा दीजिए। अगर वो चाहें तो उसको आप जब जा रहे हैं उसी दिन वो प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई खड्ढा नहीं खोदना है, उनको सिर्फ ओके 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 करना है। हर फंक्शन पीएफ ऑफिस के अंदर कैसे होता है मैंने देखा है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका आईडी नंबर ओपन करते हैं, ओके ओके ओके, बस 3 बार ओके कर दिया या 2 बार ओके कर दिया, आपका काम हो गया। इस 3 क्लिक करने के लिए आपके काम को 1.5 महीना 2 महीना लगाया जाता है। आप लोगों को जो समस्या है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं पीएफ का काम कर रहा हूँ और मैं इस चैनल पे 2.5 साल से आप लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, इस चैनल को बड़ा करें, ताकि मैं आपकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं जिसमें आपकी तरफ से 1% गलती नहीं होती है, आपकी आवाज़ को आगे पहुंचा सकूं, ताकि आप लोगों का जो हक है वो हक आप लोगों को मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको ये संदेश कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।